और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक खबर है जहां पर मुंबई ब्लास्ट का आरोपी और भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रविराज सिंह को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया है। रविराज नेपाल में दाऊद का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। नेपाल से जाली नोट का कारोबार चलाने के आरोप में दाऊद का ये गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में जी कंपनी के सबसे करीबी रविराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका चेहरा अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेपाल से जाली नोट का कारोबार चलाने और अवैध रूप से कॉल बाईपास का धंधा करने के आरोप में नेपाल पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीआईबी रविराज सिंह को गिरफ्तार किया है। 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए जाली नोट लेकर पाकिस्तान से नेपाल आए शेष मोहम्मद और उसके नेपाल सहयोगी मोहम्मद नूरुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद जाली नोट के मुख्य कारोबारी रविराज सिंह के बारे में पुलिस को जानकारी हाथ लगी थी। पुलिस ने उस समय भी रविराज को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 साल तक हिरासत में रखने के बाद सबूतों के अभाव के चलते अदालत ने उसे बरी कर दिया था। एक बार फिर से रविराज अवैध कॉल बाईपास का काम करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसका सीधा कनेक्शन इकबाल मिर्ची, सुनील दुबई और बटका से होता था। ये सभी दाऊद के सबसे करीबी लोग हैं। दाऊद का करीबी रविराज सिंह हुआ है। काठमांडू से गिरफ्तार नकली नोट का काला कारोबार चलाता था। रविराज का सीधा कनेक्शन इकबाल मिर्ची से था। इसकी गिरफ्तारी पहले भी हुई थी। 2 साल तक मामला चलता रहा, लेकिन सबूतों के अभाव में बाद में इसे रिहा कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे पूछताछ के बाद मामले को नेपाल पुलिस आगे बढ़ाएगी। नकली नोट का काला कारोबार चलाता था रविराज, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, एक बार फिर से पुलिस ने इसको उस वक्त भी गिरफ्तार किया था नेपाल में ही, लेकिन 2 साल तक हिरासत में रखने के बाद सबूतों के अभाव में अदालत ने इसे रिहा कर दिया था।